इस अलावा आज का जो दिल्ली का हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया इस केस को लेकर, उसमें दो चीजों को बहुत मैं रेखांकित करता हूं बार बार, और जहां भी मैं बोलने का प्रयास किया मैंने उस बात को रेखांकित किया जो आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में मुकेश जी कहा। उन्होंने कहा कि असहमति और बेताबी, सरकार ने इस जजमेंट में ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार ने असहमति दबाने की अपनी बेताबी के बेताबी में प्रदर्शन के अधिकार और आतंकवाद के बीच की लाइन धुंधली कर दी। आतंकवाद और प्रदर्शन का अधिकार, इसमें क्लियर कट डिमार्केशन है कानून में, कानून में कोई लाइन धुंधली नहीं है, ना कोई कानून में कोई गैप है या असमंजस की स्थिति में है कानून जी। लेकिन जब सरकार की बेताबी बढ़ती है कि किसी भी हालत में ये असहमति जो है लोगों की, इनको हम रोन दे, तो फिर आप खुद ब खुद उस असहमति को या आंदोलन के अधिकार को आतंकवाद में तब्दीली कर। हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय का टाड़ा का, जैसा विकास जी कह रहे थे टाड़ा का उदाहरण दिया, 1994 का केस है करतार सिंह वाला, पंजाब सरकार गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वर्सेस करतार सिंह। उन्होंने कहा उसमें टाड़ा उन्होंने रद्द किया, उन्होंने बताया कि टाड़ा क्यों लगा है ये तो बताएं। उन्होंने कहा कि आप जो उन्होंने हाईकोर्ट ने ये कहा कि चैप्टर 4 और 6 ऑफ यूपीए यूएपीए उसमें समान चीजें हैं जिससे आप प्रूव कर सकते हो कि आतंकवादी गतिविधियां थी। कौन सी आतंकवादी गतिविधियां हैं? आप यदि प्रोटेस्ट करते हो, शांततापूर्ण प्रोटेस्ट करना ये आपका नैतिक अधिकार है, और यदि ये प्रोटेस्ट थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है तो भी, एग्रेसिव होने के बाद भी ये आतंकवाद नहीं होता। आपने आपने कुछ पैसा फंड पकड़ा है जो आतंकवाद गतिविधियों के लिए फंडिंग हो रहा था, आपने कुछ हथियार पकड़े हैं उनके, आप ये कहते हो कि महिलाओं को उस्काया है, महिलाओं को उस्काना क्या? जब नेता मतदान के लिए उस्काते हैं कि आप हमको मतदान करो इस मंदिर के नाम पे, हमको इसको सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे मतदान करो, कोई कहता है राम के नाम पे, कोई कहता है माता के नाम पे मतदान करो, तो आप उस्काते हो क्या? आप अपील करते हो। यदि मेरी असहमति है किसी कानून को लेके, और यदि मैंने उस असहमति को लोगों को बताने का प्रयास किया और मैं असहमत क्यों हूं, यदि यह मैंने लोगों को बताने का प्रयास किया तो वो देश के खिलाफ उसका नहीं रहा हूं। सरकारें गलती नहीं करती, लेकिन 2014 के बाद शायद हमारे यहां सरकारों ने यह तय कर लिया कि वो भगवान का प्रारूप है, वो अब संविधान के हिसाब से नहीं चलते, वो जो कहते हैं उसको संविधान मानते हैं। इसलिए ये तमाम चीजें हो रही है। कहीं पे भी आप असहमति दर्ज करिए, आप या तो आप पे केस लगता है, और ये केस नहीं लगता तो फिर आप राष्ट्रद्रोही, पाकिस्तानी, चाइनीज, इस देश के गद्दार, हिंदू धर्म के विरोधी, ये तमाम तगमे लगाए जाते हैं। ये तगमे इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि आपको असहमति स्वीकार ही नहीं है, लेकिन बात होती है सबका साथ सबका विकास। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।